अगर आप बिटकॉइन या शिबा इनू जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने जा रहे हैं या निवेश कर चुके हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत ही जल्दी भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक बिल लेके आ रही है। उम्मीद है कि ये बिल इसी विंटर सेशन में आ जाएगा। इस बिल के आने के बाद भारत में बिटकॉइन में निवेश करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत से इन्वेस्टर्स और बहुत से एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत सरकार बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण रूप से बैन लगा सकती है, लेकिन फिलहाल भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके रखा हुआ है। इस वजह से भारत में क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह बैन लगाने की संभावना बहुत ही कम लगती है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बहुत बड़ी संभावना ये बन रही है कि भारत इसको पूरी तरह रेगुलेट करके स्ट्रीमलाइन करके एक एक्सचेंज के नीचे ले आएगी। ब्लॉकचेन्स पर आधारित क्रिप्टो कॉइन्स के ऊपर तो कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है, वो तो रेगुलेट हो ही जाएंगे, लेकिन डॉजी कॉइन और शिबू इनो जैसी मीम कॉइन्स के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सरकार इन मीम कॉइन्स को पूरी तरह से बैन कर सकती है। तो आप भी मीम कॉइन्स या मीम टोकन्स में अपना एक्सपोजर कम से कम रखें, ताकि अगर इस तरह का कोई भी संभावना बनती है तो आपका नुकसान कम से कम हो। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें और अवश्य करें, लेकिन इसके लिए बिटकॉइन या ईथर जैसे रेप्यूटेड और वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट्स के साथ ही जाएं। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देख लें।